So hello people, how are you? This is founder and CEO of The Balams. I am Sandeep Singh Keechi, welcoming you in this video. चलते हम लोग इस अक्टूबर मंथ के अंदर आ चुके हैं. सो मिड अक्टूबर अब आने वाला है. सो हम लोगों ने भी अपने सारे ऑपरेशन सब ओपन कर दिए हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टोर इज ओपन. सो विथ ऑल सैनिटाइजेशन एंड ऑल. सो इसमें हम लोग जो भी जो क्लाइंट आते हैं हमारे स्टोर पे, तो उनके सबसे पहले हम लोग हाथ सैनिटाइज कराएंगे और फिर उनका टेम्परेचर लेंगे. अगर वो टेम्परेचर 100 से बाहर आता है तो आपको स्टोर के अंदर अलाउ नहीं है. क्योंकि वही यार, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि हर एक जो क्लाइंट है वो हमें विजिट करे, आए, कलेक्शन देखे. बट ये जो नॉर्म्स है कोविड के, वो सब हमें फॉलो करने पड़ेंगे. और मास्क तो बिल्कुल ही ज़रूरी है. सो जब भी आप विजिट करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें. चाहे आप यहाँ पे आए और कहीं भी, मतलब किसी भी स्टोर में जाएँ या किसी भी शॉप पे जाएँ, तो यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. हम लोग भी जैसे कहीं जाते हैं कुछ शॉपिंग करने, कोई छोटी मोटी चीज़ें जैसे शूज़ हो गए, कुछ भी, तो हम लोगों भी मतलब सारी की सारी चीज़ें हम भी फॉलो करते हैं. प्लस जो 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 सेलर है जिस स्टोर के अंदर हम लोग जा रहे हैं, तो वो भी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं. वही जो सैनिटाइजेशन जो होता है, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर एंड ऑल. सो कोरोना के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमें अब इसके साथ में जीना पड़ेगा पीपल. अब ये कब खत्म होगी, क्या होगी, इसकी कोई फिक्स रिपोर्ट नहीं है और इसकी कोई फिक्स गारंटी भी नहीं है कि ये कब खत्म हो और कब हम लोग वापस मतलब नॉर्मल जो आ जाए. हालांकि बहुत ही हेक्टिक लगता है यार, कहीं से भी बाहर से मतलब हम लोग घर के अंदर आते हैं तो सैनिटाइज करो ये वो, बट हमें इसके साथ अब जीना पड़ेगा. और अब आप देखें कि फेब से ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, तो लोगों को अब धीरे धीरे मतलब अब समझ में आ रहा है. अब वो क्या है, ये सब चीज़ें डेली यूज़ के अंदर उनको ऑड नहीं लग रही. मास्क लगाना अब ऑड नहीं लग रहा है, हाथ जो सैनिटाइज करना है वो ऑड नहीं लग रहा है लोगों को. सो ये सब चीज़ें आपके लिए ही है, आपकी जो हेल्थ जो है उसके लिए ही है सारी चीज़ें. मास्क हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं. और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, हमारे जो PM है, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मतलब बंदिश करके रखा है कि सारा मतलब सैनिटाइजेशन का यूज़ करना. देखो गाइस, एक गवर्नमेंट एक लिमिट तक आपको मतलब कर सकती है, बाकी सारा जो है वो आपको खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा. वो एक लिमिट तक आपको समझा सकती है कि आप ये ना करें, वो ना करें, बट अगर आप कुछ गलती करते हैं तो वो आप पे होता है. सो प्लीज़ आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का बहुत ही अच्छा ध्यान रखें. कैसे भी आप सैनिटाइज करें, मास्क पहने, और कहीं भी जाते हैं तो अपने शूज़ को भी आप सैनिटाइज करें. मतलब जो सोप है उसके पानी से आप अपने शूज़ को धोएं करें, ताकि वायरस जो है बाहर से अंदर आपके घर के अंदर ना आ पाए. सो कोरोना के बारे में अगर हम लोग आगे भी अगर बात करें कि अगर कपड़ों पे, काफ़ी लोगों के मतलब क्वेश्चंस थे कि कपड़ों पे भी वायरस होता है, मतलब काफ़ी लोग गूगल भी करते हैं और हमारे पास भी आते हैं कि मतलब कपड़ों पे कितना वायरस का क्या मतलब सिस्टम रहता है. तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, जो कपड़ा जो फैब्रिक है उसमें आज तक कभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि जो वायरस है वो कपड़ों से फैलता है या खाने की चीज़ों से फैलता है. तो कपड़ों की जो जैसे प्लास्टिक हो गए या जो कपड़ों के जो बटन्स लगते हैं वो मेटल हो गए, तो वहाँ पे अगर कोई हाथ लगाता है तो डेफिनेटली अगर वो अगले को अगर वायरस हुआ हुआ है तो डेफिनेटली वो चीज़ ट्रांसमिट होगी. बट स्टोर के अंदर जो भी क्लाइंट आते हैं उनका अगर टेम्परेचर नॉर्मल आता है, इसका मतलब उस टाइम उससे वो कोविड नहीं हुआ हुआ है. अगर वो उस टाइम उसे कोविड नहीं हुआ हुआ है तो ऐसा कोई डर की बात भी नहीं है. और जो ट्रायल की बात होगी तो ट्रायल आप इतना नहीं कराएं. जो कस्टमर को जो चीज़ पसंद आती है, जो क्लाइंट को जो चीज़ पसंद आती है ज़्यादातर वही, जैसे मान लो 10 चीज़ें आप खोल के बताते हो, उसमें से 5 चीज़ें अगर आपको पसंद आती है तो वो 2 या 3 चीज़ें ही आप उन्हें ट्रायल करवाएं. तो ये तो क्लाइंट्स को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो ट्रायल्स है इतना मतलब नहीं मतलब ओपन हुआ है वैसे. हालांकि ज़्यादातर जो स्टोर्स है वो कंप्लीट ट्रायल करवाते हैं, बट ये अपनी ही अटेंशन है कि आप कितना क्या करें. सो ये चीज़ है. सो ये तो मैंने आपको कोविड के बारे में बताया, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी स्टोर ओपनिंग के बारे में जो वो मैंने आपको दी. सो अब मैं आपको थोड़ा सा अपना स्टोर विजिट कराता हूँ. जो फ्रंट का जो एरिया है वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ. सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे खूब सारे वेस्ट जैकेट्स का कलेक्शन रहता है हमारे पास एनी टाइम. सो आपको हमेशा वैल्यू फॉर मनी मिलेगी पीपल. मतलब उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग जो है वो एक तरह से हम लोग वैल्यू क्रिएट करके और आपको डिलीवर करते हैं, और हम लोग सिर्फ हाई एंड स्टिचिंग पर ही बिलीव करते हैं पीपल.
अगर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर उस हाई एंड स्टिचिंग की वजह से बढ़ रही है तो हम उसमें किसी भी तरह का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करते, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आप भी क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करें। हाँ, अगर आप देखें तो यहाँ सारे के सारे हमारे पास शर्ट्स हैं, जितने भी जैसे प्रिंटेड शर्ट्स के अंदर भी है, फॉर्मल शर्ट्स के अंदर भी है, और जैसे जो शेरवानी है, जैसे कि जिसकी शादी होती है तो वो तो उनकी पहली पसंद शेरवानी और इंडो वेस्टर्न की होती है। सो ये सारा हमारा स्टोर का मतलब फ्रंट का मैंने आपको बताया है, आपको जो बैक का और वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सो जैसे कि आपने हमारे इस चैनल पे जो वीडियोस जो देखे हैं, तो मैंने जो लास्ट वीडियो है वो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर मैंने बनाया था, सो उसकी सीरीज भी हम लोग आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, और मैं आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी देना चाह रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे मतलब टाइम मिलता है वैसे वैसे वीडियोज। अभी रिसेंटली हमारा एक्चुअली एक मैगजीन के अंदर भी इंटरव्यू आया है, सो इस सेप्टेम्बर के महीने में उन्होंने जो इंटरव्यू लिया है, सो इट वॉज एन ऑनलाइन इंटरव्यू, सो हम लोगों ने एक्चुअली एक तरह से क्वेश्चन आंसर्स भी उन्होंने काफ़ी किए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया। सो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरह से, जो कोई आपके काम को मतलब सराहता है, कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है, सो मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए। जो हमारा पैशन है और जो पैशनेट लोग हैं तो वो एकजुट जब हो जाती है, जो दोनों की जो थीम है, तो काम बहुत ही अच्छा होता है। सो हमेशा आपको ग्रुप के अंदर काम करना चाहिए, इस तरह के जो एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्क्स होते हैं वो हमेशा ग्रुप्स के अंदर ही अच्छे लगते हैं। सो मैगजीन के अंदर हमारा जो आया है उसकी मैंने आपको एक तरह से इन्फॉर्मेशन दी है। सो आप शुभ वेडिंग्स जो है, जो मैगजीन है शुभ वेडिंग्स मैगजीन, इनका इंस्टाग्राम पेज भी आप चेक कर सकते हैं, राहुल रॉय के साथ में हमारा कवर के अंदर भी है, और प्लस हमारा अंदर इंटरव्यू है सितंबर इशू का, और अभी अक्टूबर के अंदर जो कवर है उस पे जो उसमें अमृता राव जी हैं और उसके अंदर हमारा इंटरव्यू है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, जो उन्होंने शुभ वेडिंग्स मैगजीन ने जो हमें मतलब जो क्या कहते हैं एनकरेज किया है हमारे वर्क को, सो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का बहुत ही मन करता है, आप लोगों के लिए इस तरह की ही वीडियोस बनाने का भी मन करता है। सो है, और जो भी है हम क्लाइंट्स की वजह से ही आपका जो बिजनेस होता है या आपका जो वर्क होता है वो आगे बढ़ता है। सो क्लाइंट सेंट्रिक हमारा पूरा का पूरा वर्क रहता है शुरू से लेके एंड तक। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो मैं काफ़ी फैब्रिक्स के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ पीपल की, जैसे यहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं उन्हें तो मैं हमेशा मतलब बताता ही हूँ। सो फैब्रिक्स किस किस तरह के आते हैं, क्या क्या उसमें स्टाइल्स होती है, क्या क्या आप उसमें एसेसराइज उसको कर सकते हैं, कैसे अपना जो वियर है उसको और अच्छा बना सकते हैं, सो ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मैं देने वाला हूँ। सो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ और हमारे ब्रांड के साथ प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा, ये प्योरली मेड इन इंडिया ब्रांड है पीपल, और ये एज अ एंटरप्रेन्योर जर्नी है, जो मुझे जो नॉलेज है, द पैशन फॉर पैशन जो मेरा जो टैग है मेरा खुद का पर्सनल, सो उसी को लेके मैंने ये चीज़ आगे बढ़ाई है। सो होप करता हूँ आपके सपोर्ट का, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे आने वाले दिनों के अंदर हम काफ़ी सारे वीडियोज़ भी लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू।